उदयपुर वाटी के जो लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ता वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के नारेबाजी लगा रहे थे, खुद यहाँ वर्तमान विधायक जो मेघवाल समाज का हमारा कार्यकर्ता है, छोटा भाई है, उसके साथ राजेंद्र गुड्डा ने मारपीट की, लात गुस्सों से उसको मारा, जाति सूचक गाड़ियाँ उसको निकाली, जाति सूचक गाड़ियाँ निकाल कर वहाँ उसके जो कार्यकर्ता थे वो हमेशा अपने इर्द गिर्द उठाई गिरे कार्यकर्ताओं को रखता है। आप लोगों ने काफ़ी मीडिया में देखा होगा, राजेंद्र गुड्डा जो मारपीट कर रहा था वो मारपीट बाकायदे वीडियो में रिकॉर्ड है। हमने यहाँ जो SHO है उसको एप्लीकेशन दे दी है, DYSP अभी आए हैं, उन्होंने हमें फुल आश्वस्त किया है कि हम इसका मुकदमा दर्ज कर और जांच आगे अधिकारियों को भेजेंगे। हम अभी तक मुकदमे दर्ज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है और ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर आगे की कोई कार्रवाई होगी, वो करेंगे जो उदयपुर वाटी के हक और अधिकारों के लिए होगी। कार्यकर्ता कॉलेज के गेट के बाहर नाराबाजी कर रहे थे तो विधायक वहाँ अंदर से आता है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लात गुस्सों से मारपीट करना शुरू कर देता है। जबकि हमने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि साहब यहाँ हमारे पास कोई परमिशन नहीं है और हम कोई उद्घाटन नहीं कर रहे, कॉलेज अभी पुरानी बिल्डिंग में चल रही है, अभी सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलेज है ये कोई विधायक कोष से बनी हुई कॉलेज नहीं है, इसमें जो पैसा लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर वाटी की 36 कौम के छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए उदयपुर वाटी को एक विशेष सौगात दी थी, जिसका जो उदयपुर वाटी की 36 कौम है उसकी एक इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कॉलेज का इनॉग्रेशन करें। और मैं मीडिया के माध्यम से उदयपुर वाटी की 36 कौम को आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही यदि समय रहा आचार संहिता से पहले तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो पधारें। देखो उठाई गिरे होते ना उनका कोई लेवल नहीं होता, मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, और माननीय अशोक गहलोत साहब तो राजस्थान के ही नहीं इस देश के इस संसार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा भी होगा कि हॉर्ड्स यूनिवर्सिटी लंदन में इनको बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया गया, जो देश दुनिया में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ऐसे उठाईगिरों के कहने से कोई मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर वाटी की 36 कौम को ये सौगात दी थी, ना कि विधायक के कहने से ये सौगात दी थी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ उठाईगिरों के कोई लेवल नहीं होते, इसका लेवल क्या है कि जो मुख्यमंत्री जी को ऐसी बातें कह दे, वो एक उस टाइम की कोई परिस्थिति थी, मुख्यमंत्री जी को गलत फीडबैक दिया गया तो मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में 15 मिनट के लिए आए, जब उनको इसकी करतूतों का पता चला तुरंत वापस चले गए थे। मुकदमा दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे और प्रशासन इसमें कोई कोताही बरतता है तो उदयपुर वाटी की 36 कौम इस चीज़ के लिए तैयार है कि उदयपुर वाटी की 36 कौम उसका विरोध तो पहले ही कर रही है, उसके अलावा हम कोई ऐसा अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे उदयपुर वाटी के अंदर। जो राजेंद्र सिंह गुड्डा मेघवाल समाज को अपना पहला प्यार बताता था, आपने कई बार 5 साल में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि उदयपुर वाटी में हुए हैं तो मेघवाल समाज पे हुए हैं। इसके कार्यकाल में 145 FIR दर्ज हुई, जो तत्कालीन पहले जो ये वहाँ DYSP थे उसने कम से कम भी 90 के ऊपर FIR लगाई, और आज जिस मेघवाल समाज के बच्चे के साथ खुद ने मारपीट की है और खुद ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे आदमी को मेघवाल समाज कभी माफ नहीं करेगा और उस मेघवाल समाज के साथ उदयपुर वाटी के 35 समाज और खड़े हैं। क्या इसका उद्घाटन नगर पालिका करवा रही थी या कॉलेज एजुकेशन विभाग करवा रहा था? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सरकारी कॉलेज है और जो जमीन इसको आवंटित की गई है वो भी कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। अब जो कॉलेज का जो भवन बना है वो कॉलेज शिक्षा विभाग का है, इसका जो उद्घाटन कराया जाना होता है वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करवाता है। जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है इस कॉलेज का जो भवन बना है उसका उद्घाटन कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं कराया जा रहा था, बल्कि दूसरे लोग ही उसका उद्घाटन कराने जा रहे थे, जो कि सरासर गलत है। फिर भी मंत्री जी वहाँ पे आए और जो शांतिपूर्व तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे थे तो उनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जाति सूचक गालियां नहीं निकाली जानी चाहिए थी, किसी के साथ में मारपीट नहीं की जानी चाहिए थी। यदि विधायक ही अपने मतदाताओं के साथ में ऐसा करेंगे
तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। फिर भी यदि वहाँ पर कार्यकर्ता वो किसी के भी हो, यदि वो शांतिपूर्व तरीके से विरोध कर रहे थे तो राजेंद्र गुड्डा का ये दायित्व बनता था कि उनको किसी ना किसी प्रकार से वो संतुष्ट करें, लेकिन उन्होंने संतुष्ट करना उचित नहीं समझा और उनके साथ में जिस प्रकार से अपने प्रखर विरोधी होते हैं और उनको जानवर मानते हुए उनके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, गालियां निकाली की, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजेंद्र गुड्डा के लिए रहा है। तो इसका सभी कार्यकर्ता पार्टी के इसका बहुत ही कठोर शब्दों में इसकी निंदा सभी करते हैं और निंदा की भी जानी चाहिए। मैं भी इस घटना की निंदा करता हूं और जिनके साथ भी ये घटना घटित हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने इस प्रकार से मारपीट की है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 दिन रोज पहले कहा था कि लोकतंत्र में हिंसा घटना का कोई स्थान नहीं है और इनकी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र के जो CM साहब आए थे, महाराष्ट्र में ऐसा काम हो चुका कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये गठबंधन बोलते हैं उसको, सुबह में 4 बजे शपथ दिलाते हैं और फिर वो फर्जी मुख्यमंत्री बनाते हैं, दिन उगते ही शपथ वापिस ली जाती है, फिर वो मुख्यमंत्री चेंजिंग हो जाते हैं। ऐसी पार्टी की उसको विचारधारा सलाहकार मिल गए हैं। अभी ये गाली निकालना, ये करना, ये तो एक निंदनीय भाषा है और किसी भी जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया संविधान, प्रत्येक देश का नागरिक को अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रकट करना जनता का अधिकार है, वो विरोध प्रकट कर रहे थे। कोई भी नेता जाते हैं, वो गजेंद्र सिंह जी सहकाव जा रहे थे, अभी मैं वीडियो देखा था तो उनको काला झंडा दिखा रहे थे क्योंकि कि वो RCP वो लागू नहीं की राजस्थान में, वो जल संसाधन मंत्री हैं। तो गुड्डा उनसे सीखते, विधानसभा में ये बोलता है कि मैं तीन चार बार रहा हूँ, अभी तक इनको ये नहीं पता है कि विधानसभा में जाएं कैसे, बैठे कैसे। अगर विधानसभा में ये जाता तो काला झंडा भी देखने का क्रम बनता है नेता का, नेता के लिए कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। हमारे राजस्थान के गांधी, हमारे भगवान ने यह कहा कि विपक्ष मुझे कहती है तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि क्या पता वो मेरी गलतियों को उजागर करे और उनका निराकरण हम करें। तो उनको सुनना चाहिए ये गुड्डा साहब को कि जनता क्या कह रही है सुन लें पहले। ये उद्दंग मचाना, गुंडापंथी करना, ये तो कभी रहा ही नहीं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से, ये मेरा कहना है।